बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। आज की न्यूज़ है दूरबीन की इजाद। आम तौर पर पढ़ाया जाता है कि माहिर फलकियात गलीलो गलीली ने दूरबीन इजाद की थी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरअक्स है। आइए हम देखते हैं। हंस लिपर्शे ने 1608 में सबसे पहले दूरबीन की इजाद के लिए काम शुरू किया। लिपर्शे के दौर में 3 साल तक दूरबीन का कोई नाम नहीं था और वो उसका इस्तेमाल अपने करीबी चीजों को देखने के लिए किया करता था, लिहाजा इस इजाद को कोई नहीं जानता था। 1609 में गलीलो वो पहला इंसान था जिसने सबसे पहले लिपर्शे की इजाद करदा चीज को अपने इल्मे फलकियात के लिए इस्तेमाल किया। उसने 1610 में लिपर्शे की दूरबीन का डिजाइन मजीद बेहतर बनाने के बाद इसका बकायदा इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने मुश्तरी पर 4 अहम चांद तलाश किए थे।